बेरा ना तड़के तड़के किसकी शिकल देखी थी, इस बस ने भी बेखराब होना था कि एक तो इतनी गर्मी ओहो मैडम एक लिए गली की चल पड़ी आज अकन दे तो बिठाने चलू तने मेरे गली बकवास ना करे और तेरे वर्गा मैं दऊ जाणू सु अरे सुन तो ओहो छोरी भाव खान लागी मेरा किस किस कल देखे अरे बात तो सुन ले देख मैं तने ये तो प्यार से समझाऊं सु नहीं और डाल भी समझाना हो मने अरे दो मिनट बात तो कर सके कम से कम मन तेरे तो कोई बात नहीं करनी तन्ने बात को नहीं करनी मन ने तो बात करनी है ना और नो बेहतर थे देख के कि मैं घनाई के मिकरण का मन करे मैं भी तो तने प्यार तो समझाऊं चे तसी दसी दा चला जा नहीं तो किल के मार का पूरी पब्लिक ने इकट्ठा करके तेरा वो हाल बना दूंगी तू भीड़ इकट्ठी करेगी दिख जा कौन तने उरा आदमी तो के कुत्ते भी कोनी आंदे सुनसान रोड है यो मन तेरे प्यार तो कह दिया तेरी बाइक ने लेकर तो निकल जा ये भी बाइक जिद्दे जागी जे तू मेरे के लिए बाइक पर जाओगी तेरी इतनी हिम्मत मेरा हाथ पकड़ा शायद तो एक बात भूल गई तू एक लड़की है और सुनसान रोड पे है मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकूं हूं कुछ करना तो बहुत दूर है तू मेरा हाथ लगा के दिखा दिखा हाथ लगा के मैं देख ले अच्छा तो भी तूने फिर कर भाई हाथ सर सही टाइम पे आ गया आप यो लड़का ने कई देर तक मेरे लिए बदतमीजी कर रहा था क्या सर क्या मन ने कुछ कौन करा सर मैं बताऊं सर आपने सारी सच्चाई मार मांग रहे थे सर उस साइड पे इस छोरी ने मेरे तो हाथ दिया और लिफ्ट मांगी सर उसके बाद में सर मेरे थप्पड़ मारने लगी हाथापाई करने लगी नहीं सर कति साफ साफ झूठ सच क्यों नहीं बताना तू ही पे सच बताऊं सर ये मेरे पे पैसे मांगा थी नुको थी जल्दी जितने रुपये है ना सारे काट दे नहीं तेरे पे ऐसे आरोप लगाऊंगी तू पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पाओगा हाँ भाई नहीं सर सच्ची में ये झूठ बोला तो वैसा रहा सर देखियो सर की हालत कर रखी मेरी मार मार के बोल दे क्यों नहीं सच मेरा पल नहीं जा रहा बस बस मैडम बस सब साफ साफ नजर आने लग रहा है मैंने कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं पर सर जब जब तुम मेरे सामने इसका मान लग रहे हो देखो मेरे पीछे के काट डाली होगी पर सर मैं सच बोल रही हूँ सच्चाई साफ नजर आने लग रही है पर सर देख लो सर बस ये अपनी किताबें उठाओ और चलो पुलिस स्टेशन चलो तुम्हारा फैसला वहीं होगा चल चलो चलो हाँ भाई अपनी बाइक उठा मैडम चल मेरे साथ बाइक पर चल पुलिस स्टेशन चलो आप कल देखी थी हाँ मैडम आपने इस लड़का क्यों मारा सर आप मेरी बात मानो ये लड़का मेरे लिए जबरदस्ती करा था मैडम जी आपने शायद पता नहीं यो मारिया मेले का लड़का है और आपने शायद यो सारा मामला पैसे अठन खातर करया है एमएलए सर मन तो इस बात का बेरा भी कोनी ये छोरा एमएलए का है मैडम ये बात आप सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव खातर करना ला रहे हो इसका कोई कसूर ना है सर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो ये छोरा मेरे के लिए बदतमीजी कर रहा था अरे बस करो मैडम मारा शाम में इतना बोलने लग रही हो आप इसका मतलब ये लड़का ठीक कर रहा है शायद आपने ये सारा ड्रामा पीछे खातर करा है सर आप मेरे थोड़ा टाइम दे दो मैं अपने बेगुनाही के सबूत ला के दूंगी आपने चलो ठीक है कानून ने के चाहिए सबूत मैं तने 3 घंटा का टाइम दे रहा हूँ 3 घंटा के दौरान तुम अपने बेगुनाही के सबूत ले आओ और फिर मारा काम दे आप अपनी आईडी जमा करवा जाओ और आप अपनी बेगुनाही के सबूत ले आओ ठीक है और याद रखना इस दौरान अगर आपने कितने भाजने की कोशिश करी तो आपके ऊपर भी इतनी धाराएं लग जाएंगी कि आगे की बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी ठीक है ना ठीक है सर सर आ रहे हैं कुछ ठंडा गर्म हो जाए हाँ बिल्कुल नहीं हो यार और सर आप भी इस डाल की छोरियां हम डेली देखा टेंशन ना लियो कि मेरा छोरी कभी समझ में को नहीं आता कविता हाँ माँ के बात बेटा तू बिना बताए कित चली जा है माउरा कित गई थी माँ जी थाना में ताई हुई बे थाना में हाँ क्यों क्या हो गया
क्यों बता जाऊं थी मैं कॉलेज में था। अच्छा। और बस खराब होगी रोड पे एक लिया हूँ तेरे को एमएलए का छोरा बाइक लेकर उल्टा सीधा लगे बोलने मैंने। अच्छा मैंने दर्द दी उसको दो चार उसे टाइम पुलिस वाला आ गया। सही कर रहा दर्द दिए तो सही की कर पुलिस वाला उल्टा मेरे गल में गाल दिया उसने बोला मेरे तेरे पैसे लुटन खातर हो करी है। अरे पुलिस वाला ले गया मैंने थाने में। वो नु कह तू कि सबूत दे मां मैनू सोचू मैं कितना सबूत दू नहीं तो वे मन अंदर कर देवेंगे। ए बेटी तू क्यों इन पंगा में पड़न लाग रही है क्यों बेइज्जती करवाओ तू कोर्ट कचहरी के चक्कर मारेगी फिर तेरे बाबू अपना आप देख लेगा उनने ठीक से। ना माँ अगर जमाज बैठगी ना जो मेरे गिली हुए ना कल लगाम की और छोरियां गिली भी होगा और मैं नू तो बैठू को नहीं उसने तो मैं सजा दिला के ही मानूंगी। पागल ना बने ठीक से हो रहा कोर्ट कचहरी का काम पीसा खो करेगी और गांव में बेइज्जती करवा लेगी फिर तेरे तब ब्याह कौन करेगा। माँ मैं जाऊँ। सुन बेटी तने बेरा को नहीं वे सब बड़े आदमी आजकल पीछे देख सारे काम हो जा है। ओ जानते होंगे माँ पर तेरी बेटी ना हारना कौन सिक्का और मैं अपनी बेगुनाई का सबूत ढूंढ के रहूंगी। कितने तू सबूत लेकर आओगी और पा भी गया ने तो पीछे देख ना वो उन्ने का माथा मारेंगे आगे बात समझ में। माँ तेरी बेटी को ऊपर भी तू विश्वास रख थोड़ा बहुत है इसका मतलब तो माँ बड़े आदमी रहेंगे धरती पे गरीबिया का तो कोई वजूद ही को नहीं। और मैं इन बड़े लोगों का मुंह बंद करना चाहूँ क्योंकि इज्जत भी कुछ चीज हो वैसे हम गरीब हाँ तो क्या हमारा पल्ला इज्जत से है और मैं यहाँ गई रही आई तो तू मानना को नहीं ना। मैं को नहीं मानती माँ कुछ तो सबूत मिलना ही चाहिए मैंने यो फैक्ट्री शायद कैमरा सर आपने सबूत चाहिए था ना मेरा बेगुनाही का मैं सबूत लेके आई अरे उसने सजा दिलाने तक कोई नहीं बचा सकता। यो सर तू भीड़ी कट्ठी करेगी दिखदा कौन तने और आदमी तो के कुत्ते भी कोने आंदे सुनसान रोड है यो। मन तेरे प्यार ते कह दिया तेरी बाइक ने लेकर तो लिकट जा बुला उसने। सर अब तो यकीन हो गया होगा आपने। राम राम साहब। राम राम के बात हो ये बड़े फोन पे बता दें दे बार बार मैं चक्कर कटवाओ हो फेवरेट फिल्म हमारी दिवरी मूवी छोड़ गया हूँ तर खातर। अच्छा मन लगे कि मैं फिल्म का गणाई शौक साहब ने। हाँ साहब बचपन तो फिल्म का शौकीन रहा हूँ मैं। अच्छा चलो बताओ कि हाँ ये आवाज़ जो है ये कौन से एक्टर की है। तू बीड़ी कट्ठी करेगी दिखता कौन तने और आदमी तो के कुत्ते सुनसान रो रहे हो। अच्छा चलो ये वीडियो देखो ये बाइक ने लेकर तो लिकट जा ये भी बाइक जिद्दे जागी जब तू मेरे के लिए बाइक बजाओगी ये 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 तना शर्म नहीं आई एक विधायक का लड़का होते हुए तना सर वो बस एक लफ्ज भी फालतू नहीं अगर बोल लेना तेरा खतर ठीक नहीं रहेगा। सर इब तो आपका यकीन हो गया होगा मैं झूठ को नहीं बोलू थी। अरे बात हाथ उठान की वो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उस पर हाथ उठाया था और अगर सर आपने यो लगे मैंने इस पर अपनी सेफ्टी के लिए हाथ उठाया और वो गलत है तो आप मुझे जो भी सजा दोगे ना मैंने मंजूर है। अरे नहीं मैडम बल्कि मन्ने तो आप पे गर्व है कि हमारे देश में इतनी बहादुर लड़की भी हैं आप जैसी और आपने इतना बढ़िया जो काम कर है ना अब देखियो मैं इसका कितना बढ़िया रिमांड लूंगा। सर जे सारा देश की छोरी इतनी बहादुरी थे इनका अगर मुकाबला करें ना तो किसी भी लड़के की हिम्मत को नहीं कि किसी लड़की ने गलत नजर तक देख ले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैडम। ठीक है सर शायद तने वीरा को नहीं मैं एमएलए का छोरा हूँ। तो जे किसे का छोरा हो और तेरे जैसे का ना यो असर होगा जो भी जिस लड़की ने छेड़ा। और सर इसके है ना दो केस ठोको लड़की थी छेड़न के आरोप में और एक लड़की पे झूठे इंजाम लगाने के एफआईआर मैं लिखवाऊंगी और मैं देखू सु यो के करेगा। टेंशन ना लियो से फंस गया की बारी हो ओदर डालिस ना बात में ये बिगे रहा है वो तू जान दी कौन शायद मैंने देख ये बड़ी पछताओगी तू। अरे तू मामने भी कौन जानता है ये दिखा रहे तमाशे की याद रखेगी देख लूंगा तने आ जाए। थैंक यू सर।
कोई बात ना मैडम, आप नाम से जाइए, हम अपना आप देख लेंगे। बेटा अब तक तना जितनी छोरी छेड़ दी वह छेड़ दी, आज के बाद तू अपनी बहन का ने भी देख दिया डरेगा। आज तने बेरा पाटा का पुलिस की पावर का, तेरा ऊपर इतनी धारा लगाऊंगा कि तेरा एमएलए बाप भी तना बाहर नहीं काट सकेगा।